I request you all to kindly keep your mobile phones on silent. So once again, a very warm welcome to all you beautiful members of VCPA, and we are gathered here for our 66th monthly meeting and the special celebration of Women's Day. So a happy Women's Day to all the beautiful ladies, and thank you to the handsome men for all your support and all the encouragement that you are giving to all the women. So let us begin today's meeting by remembering the Almighty, and I request David sir to kindly lead us to prayer. I request all the working committee members to please come forward for the prayer. Harman sir, Dinesh sir, Malcolm sir, David sir, Dinah ma'am, Colin sir, Savio sir, and myself. आम्हा वसे सर्व ख्रिश्चन व्यावसायिकांना वसिंग ख्रिश्चन बिझनेस असोसिएशनच्या नावाने एकत्रित केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. आमच्या असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना तो दूरदृष्टी आणि कृपा दे. त्यांना आलेल्या संकटावर मात करून सभासदांना चांगल्या तऱ्हेने मार्गदर्शन व प्रेरणा द्यावी म्हणून तुझी विशेष कृपा दे. हे प्रभू येशू, तुझ्या नावाने सभासदांनी ख्रिस्ती म्हणण्यानुसार एक जुटीने एकमेकांसाठी व्यवसाय संधी निर्माण करून मदत करावी व व्यावसायिक समृद्धी बरोबरच आमची आध्यात्मिक प्रगती व्हावी म्हणून तुझी विशेष कृपा आम्हास दे. हे पवित्र आत्म्या, आमच्या भावी पिढीतील मुलांना आम्ही आदर्श बनावे. आमच्या व्यावसायिक कार्याद्वारे वसईची व सर्व सभासदांची उच्चोत्तर प्रगती व्हावी अशी प्रार्थना आम्ही तुझकडे करतो. आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझे इच्छेप्रमाणे हो. आज आमचे रोजची भाकर आज आम्हाला दे. जसे आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करतो तसे तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर आणि आम्हाला माफ करू दे. तोच आमचा वचन असून हरसो. आमीन. मंथली जर्नी ऑफ पीसीबीए म्हणजे पीसीबीएचा 66 महिन्याचा प्रवास. अबाउट 5 इयर्स हाफ इयर्स अगो इन सप्टेंबर 2016 बीसीबीए इमर्ज्ड एज अ मोमेंट ऑफ क्रिश्चियन एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स विद द ड्रीम टू क्रिएट वेल्थ फॉर दिस कम्युनिटी बाय पूलिंग एंड हार्नेसिंग रिसोर्सेस एंड नर्चरिंग ईच अदर्स ग्रोथ इन द स्पिरिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कमिटमेंट, एक्सीलेंस एंड ट्रस्ट. 10 सप्टेंबर 2016 रोजी
BCPA अधिकृतपणे उद्घाटन आदरणीय आर्चबिशप फेलिक्स पठाडो यांच्या आशीर्वादाने झाले. आम्ही व्यावसायिक नेटवर्किंग साठी तसेच उद्योगांसाठी विविध संबंधित विषयांवर आपले ज्ञान वाढविण्यासाठी दर महा भेटत आहोत. बिझनेस वर टूर्स ऑफ रूफीज हॅव बीन एक्सचेंज्ड एंड रेफर्ड बिटवीन द मेंबर्स. Over the last 66 months, we had 66 monthly networking meetings in various corners of Vasai, Manipur, Bangli, Sandor, Bhabola, Nirmal, Mercedes, Gurgaon, Satpara, etc. As well as on virtually on Zoom, where renowned speakers and experts were invited to educate our members on business networking, financial management, cashless economy, GST, real estate acts, government schemes for small enterprises, cyber attacks and security, stress management, behavioral challenges adapting to post-COVID world. तसेच वसईतील ख्रिस्ती समाजातील आणि बाहेरील यशस्वी उद्योजकांकडून काही धडे घेण्यात आले. Additionally, we had panel discussions, a unique concept of virtual site visits to members' facilities, including a site visit from Estonia in Europe. Our speakers included retired assistant commissioner of police, army servicemen, behavioral consultants, educationalists, business coaches, professional trainers, advocates, forensic experts, human resources specialists, officials of stock exchanges, doctors, lawyers, etc. Lockdown नंतर आम्ही थांबलो नाही, खरं तर BCPA अधिक सक्रिय झाले. During the period April to October 2020, we conducted webinars every Friday from November 2020 onwards. They were brought down to two events a month in a rhythmic pattern. A monthly meeting on 2nd Friday and a webinar on 4th Friday. As of now, we had more than 21 webinars through knowledge sharing sessions and 9 virtual site visits. Webinar and virtual site meeting सर्वांसाठी खुले असतात. मासिक मीटिंग्स फक्त BCPA सदस्यांसाठी आणि त्यांच्या गेस्टसाठी मर्यादित ठेवली आहेत. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेनंतर परिस्थितीशी लढा देण्यासाठी आणि खबरदारी घेण्यासाठी प्राथमिक उपचार वगैरे या विषयावर मार्गदर्शनात्मक डॉक्टर रुथ यांचं व्याख्यान आम्हाला आयोजित केलं गेलं होतं. मोर देन 500 गेस्ट रजिस्टर्ड फॉर ऑल दिस वेबिनार्स. विथ द गायडन्स ऑफ बिशप हाऊस, BCPA undertook a project mission sustainable livelihood for all those affected due to COVID pandemic. Nearly 550 people participated in the survey and we tried to reach every individual and forward the opportunities. The committee also tried to absorb some candidates. We had a milestones meeting at Vasai in November 2021, wherein a joint meeting between BCPA and Dimensions was conducted. This was just the beginning of a long-term destination of togetherness of BCPA and Dimensions. It has been an exciting journey so far and we have even bigger plans for future, smaller group discussions through BCPA shorts, tied up with various agencies for common benefits of members, working with other associations such as Dimensions in Mumbai for larger coverage, taking delegation to the national and international exhibitions, and all this just one time for a membership of 1,500 rupees. BCPA also offers a platform to launch your new products, services, books, etc. so that we participate in the journey of a member from day one. Thank you so much. Thank you. Arvind sir, I would request you to kindly introduce today's dynamic and multi-talented personality and give us a brief intro about Devendraji, who is going to take us through a wonderful session. ये एक पेज काफ़ी नहीं है, मैंने इसको बहुत शॉर्ट किया है क्योंकि हमारे पास हमेशा टाइम का प्रॉब्लम होता है. सर के बारे में बोला जाए तो तीन तीन चार चार पेज भरे थे. मुझे नीलेश सर ने थोड़ा हेल्प किया उसको एडिट करने के लिए. थैंक यू नीलेश सर. सर इज अ सीनियर जर्नलिस्ट बॉर्न एंड ब्रॉट अप एजुकेटेड इन दिल्ली. लगभग 33 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में उनकी सक्रिय सहभागिता है. सर रोट फॉर मोस्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलर न्यूज़पेपर्स लाइक नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, आज, राष्ट्रीय सहारा, पंजाब केसरी एंड माया एंड मनोरमा मैगजीन्स. सर इज नाउ इन टू पब्लिशिंग एंड एडिटिंग अ लोकल न्यूज़पेपर वसई सत्ता सिंस लास्ट 17 ईयर्स विच स्टार्टेड इन 2005. सर हैज आल्सो प्रोड्यूस्ड अ फिल्म
a music album and stage shows. Sir had also directed some music videos. Sir got many awards for journalism like Digital Media Award, Bollywood Iconic Award, Latin Dadasaheb Phalke Sahib Award, Mahatma Gandhi Award, etc. Sir has two production companies banners named Tal Music and Films and Siddhi Vinayak Creator. Now after 20 years, the production house is once again active and revived too, which will start with a short film and a web series and may also star our own Vasai actor Harman D'Souza in it. The banner had organized a unique prestigious evergreen beauty contest earlier. At the moment, sir is successfully running a YouTube channel, Vase Satta. After COVID, it went online. So dear friends, here we have an all-rounder who has successfully executed many projects and today he has come to share his experience on successful execution of a plan. Please welcome Mr. Devendra Khanna. Jodhar Nagar Sahib, Swamiji. Sir, please. Thank you for coming, sir. Thank you so much. सबसे पहले तो BCA PA के सभी मेंबर्स का मैं आभारी हूँ और हमने उनका तो बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है और मैं उम्मीद नहीं करता था कि ऐसे जगह पर मैं जाऊँगा और अपने अनुभव शेयर करूँगा यहाँ पर। शायद पता नहीं काबिल में था या नहीं था मालूम नहीं, लेकिन हरमन सर को मुझ में कुछ दिखा तो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। तो क्या कुछ बताऊँगा मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि, लेकिन फिर भी मुझे इतना है कि आपको कुछ कुछ ना कुछ जरूर बता कर जाऊँगा। सबसे पहले तो अभी हरमन सर से की बात करूँगा, मैंने यहाँ एक आइडिया लेके आया था वसई गौरव अवार्ड, आपने शायद सुना होगा, देखा भी हुआ, उसकी चर्चा हो रही है। तो मैं उस सिलसिले में सिर्फ उनसे मिले आया था क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा अवार्ड देना चाहता हूँ। तो ऐसा मैं बहुत लोगों से मिला लेकिन लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स दिया कुछ नहीं दिया। तो हरमन सर को लगा यार ये तो बहुत ब्रिलियंट आइडिया है और पहली बार ऐसा कोई बाहर से आया हुआ आदमी कर रहा है, यहाँ के लोग करना चाहिए। तो मैंने किया और हरमन सर ने भी मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया। सपोर्ट मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा दे दिया, लेकिन उनका फोन आता था कि भाई कहाँ चल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या प्रोग्रेस है। तो ये चीज जो है ना वो हर एक को मोटिवेट करती है। अगर कोई कुछ कर रहा है आप उसको थोड़ा सा भी बताते रहेंगे कि भाई क्या चल रहा है, कुछ घर की जरूरत है, कुछ क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुंचे हो, किसी और से मिलना, मतलब एक खाली फोन आना भी ना एक बड़ा मोटिवेट करता है। ये जरूरी नहीं कि उसने कोई मुझे पैसा से मोटिवेट करे, वैसा नहीं, लेकिन वो जो फोन एक कॉल आया था ना कि सना सर क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, किससे मिले हो, किस किस को अवार्ड दे रहे हैं, इसको चुना आपने बहुत अच्छा चुना, इसको चुना बहुत अच्छा चुना, मैं भी दो नाम सजेस्ट करता हूँ, आप उनसे भी देख लीजिए अगर जो मिले तो आप देखिए। तो ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं क्योंकि उस समय हम चल रहे हैं और अपने मालूम नहीं रास्ता कहाँ है, मुझे मालूम नहीं था कि रास्ता कहाँ है, लेकिन ये अवार्ड हो गया और इतना सक्सेस हुआ कि अभी तक उसका लोग भूल नहीं पा रहे। मुझे आज भी लगता है एक हफ्ता होने के बाद अभी भी दिन भर फोन आ रहे हैं, अभी भी इवन बॉम्बे से बहुत फोन आ रहे हैं क्योंकि बॉम्बे में मेरा काफ़ी पहचान है, काफ़ी मैंने लोगों से डिस्कस किया था कि आप यहाँ पे आइए मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, तब उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन अब इतना सोशल मीडिया में हो गया कि अब उनका फोन आ रहा है कि भाई आप हमें बुलाना, हम जरूर आएंगे। मैंने कहा अब जब बुलाया तब तुम आया नहीं, जब मैं आपको बोल रहा था आपको समझ आया नहीं, तब आप बोले 50,000 दे दो, 1,00,000 रुपये दे दो, राहुल राय से मैंने बोला था वो 1,00,000 रुपये मांग रहे थे आने का, जबकि उससे मेरी पहचान है, उसमें मुझसे भी बात हुई। तो मैंने कहा जब तुमने मैं बोला था तब तो तुम मुझे भाव दिए, अब जब तुम देख रहे हो कि भाव मेरा भाव बढ़ गया तो तुम मुझे भाव दे रहे हो, तो ऐसा होता है। तो बहरहाल हरमन जी का मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ मुझे यहाँ पे भेजा, जैसा कि आपने मेरे बारे में सुना है वही जो मैं हूँ वही उन्होंने बताया, उससे भी ज़्यादा बताया नहीं उन्होंने, मतलब शॉर्ट में अच्छा बता दिया उन्होंने। एक्चुअली काम तो मैंने बहुत किए हैं और एक्सपीरियंस मेरा बहुत है, जब आप समझ सकते 33 ईयर से मैं जर्नलिज्म में हूँ और अमिताभ बच्चन तक का मैंने इंटरव्यू 2-3 बार किया और भी बहुत लोगों से मेरा काम ही यही था, लोगों से इंटरव्यू करना, तो मैं ज़्यादातर इंडस्ट्री से कनेक्टेड था क्योंकि मेरी बीट एंटरटेनमेंट थी। तो इसी दौरान मैंने सब इंडस्ट्री में आया और मैंने बहुत सारे काम किए, पर्सनल भी लोगों का काम किया, सब कुछ किया। तो उस तरह मतलब मेरा एक सबसे बड़ा चीज़ है कि जहाँ आपको रास्ता ले आया है आप केयरफुली चलते रहिए, ज़्यादा सोचेंगे तो आपको वहीं खड़े रहना पड़ेगा। जो मैंने फील किया मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं चलता गया, मुझे कहीं छोटा सा भी कुछ दिखा रहा है ये करना है ये हो सकता है, मैं चलता गया, मतलब मैं वहाँ रुका नहीं। तो मेरे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी 40 साल से 40 साल 30 साल से 40 साल, लेकिन मैं 30-32 साल में मैंने 33 साल में
मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस कर लिया, फिल्में भी बनाई, हर चीज़ किया, पर्सनल सेक्रेटरी भी किया, आर्टिस्ट का पर्सनल पीआर भी किया। तो सिर्फ इसलिए क्या कि मैं वहीं खड़ा नहीं था, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, भैया उनका काम देखो, मुझे एक मठ में एक बंगला था वो खाली पड़ा था, ऐसे मुझे उन्होंने कहा कि इसका क्या कर सकते हो, मैंने कहा इसको चला सकते हैं, मैंने वहाँ सेट लगा दिया और 2 लाख का महीना वहाँ लग गया, 2 लाख का महीना उनको आने लग गया जो कि खाली पड़ा था, कुछ यूज नहीं था। स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत हुई, स्टार्टिंग में मैंने पिकनिक अरेंज की एक मिनिमम बेयर, तो पिकनिक भी आने लगी और शूटिंग भी आने लगी, तो बंगला इतना चल गया कि वो उन्होंने मुझे कहा कि तुम फिल्म बनाओ, फिर उन्होंने फाइनेंस किया, मैंने फिल्म बनाई। मतलब कहने मतलब कहीं ना कहीं मुझे रास्ते दिखे और मैं अपने चलता गया, मतलब चलना जरूरी है, कई बार हम डर के मारे खड़े रहते कि हमें तो पता नहीं कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे, लेकिन अगर रास्ता दिख रहा है तो रास्ते पे चलना हमें है, आगे जाना तो हमें उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, खड़े रहना तो खड़े रहेंगे। तो मेरे जैसे कई दोस्त हैं जो मेरे से जुड़ते भी हैं और जो अच्छे मुताबिक भी करते हैं कि तुमने बहुत कुछ कर लिया चल, लेकिन जो आज भी वही है बेचारे, अभी तो ऐसे दौर आ गया कि कन्वेंस पे है सर जर्नलिस्ट, मतलब बहुत सारे अभी क्या कि नेट आने की वजह से बहुत सारे जर्नलिस्ट घर पर बैठ गए। पहले मैं जब जिस दौर में काम करता था हिंदुस्तान टाइम्स में, मैं अपनी एक फोटो भी देता था, मुझे 250 रुपये मिलते थे, 90 की बात करता हूँ, 90 से 95 की। तो आज लेकिन फोटो सब इंटरनेट पे, हर चीज़ इंटरनेट पे, तो वो बिजनेस हमारा खत्म हो गया। मैं इंटरव्यू भी करता था तो मेरा इंटरव्यू बिकता था, राष्ट्रीय सहारा मेरे इंटरव्यू 76 के लिए 2000 मेरा बिकता था, माया मैगजीन आती थी, मनोरमा मैगजीन के लिए मैं स्टोरेज करता था, मुझे 5-5 हज़ार मिलते थे उस समय में, आज नहीं मिलते क्योंकि आज सब कुछ नेट पे आ गया है, आपको किसी के बारे में मतलब मुझे जाने की जरूरत नहीं। तो वो एक जर्नलिज्म में एक ट्रेजेडी भी उसे मानता हूँ मैं, लेकिन ठीक है समय परिवर्तन होगा हमें आगे बढ़ जाना चाहिए उसको देखो। तो आज जो बेसिकली एग्जीक्यूट कैसे प्रॉब्लम आती है, कैसे करना चाहिए, वो उस पर थोड़ी चर्चा मैं करूँगा। सबसे पहले तो ये कि जो भी चीज़ हम करने जा रहे हैं, जो भी चीज़, चाहे छोटा सा बिजनेस है, छोटे से बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि भाई हम इसको पॉजिटिविटी के चलेंगे करेंगे, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर में शक है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, वो होना ही चाहिए। नेगेटिविटी का एक भी पॉइंट हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, हम यदि कर रहे हैं तो मतलब वो 100% सही है, हमें करना है। एक भी थॉट वैसा नहीं आना चाहिए कि मैं पता नहीं क्या होगा। इसके ऊपर भी एक उदाहरण देता हूँ, दिल्ली से बहुत लोग यहाँ आते थे बॉम्बे में और कुछ दिन आके चले जाते थे, मैं भी दिल्ली में था, तो लेकिन वो चले क्यों जाते थे, क्योंकि वो आते थे ना तो कुछ काम मिलेगा तो मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं निकल जाऊँगा, मैं आया तो मैं बोला नहीं मैं तो यहीं रुकूंगा, तो मैं रुका। तो मेरे उस जमाने के दिल्ली के थिएटर आर्टिस्ट कई आए और कई चले गए, शाहरुख भी दिल्ली से आया था, शाहरुख का और भी बहुत सारे लोग, मनोज वाजपेयी, बहुत सारे लोग दिल्ली से आए थे, लेकिन जो ये सोच के आए थे मुझे यहीं कुछ करना है तो कर पाए, लेकिन जो ये सोच के आया था मैं ट्राई करता हूँ इनको 2-4-6 महीने रहता हूँ फिर कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, तो वो लोग नहीं रुक पाए। तो सबसे पहले मतलब अगर ले के आए तो पूरे विश्वास के साथ आइए कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट आता है कि जुनून, जो भी कर रहे हैं जुनून की हद तक होना चाहिए, जिस तरह हम इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, हद तक करते हैं, सबने किया होगा शायद, तो वो उस हद तक करना चाहिए जिस हद तक हम प्यार करते हैं, कोई भी बिजनेस नहीं करते, कोई भी शौक करते हैं, तो उस हद तक जाना चाहिए जुनून की हद तक। भले आपको लोग पागल बोले तो पागल ही मान पड़ता है, आशिक एक पागल होता है तभी आशिक कर पाता है, इसी तरह बिजनेस भी है, अगर आप पागलपन की तरह उसमें लगे नहीं तो ही आप सक्सेस होंगे, अगर आप पागलपन नहीं आते, जुनून नहीं है तो वो नहीं रन कर सकते आप, मतलब जो आपको मिलना वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जुनून सबसे पहला स्टेप है। जुनून अगर है तो हम जीत सकते हैं चाहे कोई भी, जुनून नहीं है तो कोई भी जंग जीतना तो क्या मतलब उसमें भाग लेना भी मुश्किल है। और फिर आती है हमने कुछ शुरू कर दिया, सपोज अब शुरू कर दिया तो सबसे पहले आप वो लोग देखिए जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको समझते हैं, उन लोगों के फेवर में, उन लोगों के टच में रहिए, उन लोगों के टच में आइए, उनको बताइए, क्योंकि वो आपको प्लस करेगा कहीं ना कहीं, और वो प्लस करेगा वो आगे सजेशन देगा तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक एक स्टेप आगे बढ़ता है। और कुछ लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट भी करते हैं, क्या है कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं है। मैं अभी मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया 2 साल पहले और मेरे दोस्तों ने 5-10 साल पहले शुरू कर दिया था, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपये भी कमाया यूट्यूब चैनल से। मैं जब आया तो मैंने उनको कहा कि भाई अभी मैं भी इतना चालू कर रहा हूँ चैनल, तो बोले यार तुमने बहुत लेट कर दिया, आप तो कुछ बचा नहीं है इसमें। तो मैंने कहा नहीं बचा, मतलब ठीक है मैंने भी सोच लिया आना बना है तो क्या हूँ। तो मैं आया और मैंने एक साल में ही उसको मोनेटाइज भी कर लिया और ठीक ठीक चल रहा है, जिस तरह से मैं चला रहा हूँ उससे अच्छा चल रहा है, मतलब अगर मैं उसकी बात मान लेता तो चालू नहीं करता, तो मैंने उसकी बात नहीं सुनी, मतलब और जो नेगेटिव
असाइनमेंट में दे रहा था कि इसको कोई बचा नहीं है, तुम मत आओ, तुम बेकार है। तो मैंने उसकी बात नहीं सुनी, मेरे को अच्छा लगा, मुझे समझ आया जब इसने कहा नहीं है, ठीक है ये कर रहा है, तो अभी अपने को भी ट्राई करना जरूरी है। तो ट्राई किए बिना भी काम होता नहीं है। तो उसके बाद जब हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज होती है, जो भी हम करने जा रहे हैं वो पेपर पे, ऑन पेपर होना चाहिए। कोई भी प्लानिंग, कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा करते हैं, पेपर पे होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, और उसकी पहले प्लानिंग पेपर पर होनी चाहिए। पेपर पर हम प्लानिंग नहीं करते तो फिर क्या होता है, आधे पॉइंट छूट जाते हैं। जब आधे पॉइंट छूट जाएंगे तो आप अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे साथ एक होता था, इस बार मैंने जब शो किया ना, मैंने सब रोज का लिखता था, मुझे इन लोगों से मिलना है, इसको टारगेट करना है, इसको ऐड के लिए टारगेट करना है, इसको स्पॉन्सर के लिए टारगेट करना है, पहले लिख लिया था पहले। और कौन कौन से लोग थे, मैंने 30 लोगों की पहले लिस्ट बना ली थी, मैंने बाद में शुरू किया था। उस 30 में से मैं हालांकि 30 तक ही पहुंचा, उनमें से 15 रह गए, 15 नए आ गए, लेकिन मैं लिस्ट बना लिया था अपने सोर्सेज से, अपने जो मेरे सर्कल में थे मैंने उनको देख के लिस्ट बना ली थी। तो लिस्ट बना ली तो उस लिस्ट पे काम करना शुरू किया, क्योंकि मैंने पेपर में लिखा हुआ तो नहीं लिखा होगा, और मैंने ये भी लिखा था कि मुझे टीवी रहने ही करना है, जो मेरा वैल्यू था ये कन्फर्म था, लेकिन बीच में हालात ऐसे आते गए कि हमने कोई दूसरा अलाइनमेंट मिल गया इसके ऊपर, तो वो हमें नहीं कर पाए, लेकिन मेरी सोच थी कि मैं वही करूँ। तो अंत में देखो मुझे वही करना पड़ा, ये भी एक बात था कि मेरी सोच थी, मेरा जरूर था कि मुझे वहाँ करना है, लेकिन किसी रीजन से मैं वहाँ नहीं कर पा रहा था, यहाँ पर कर रहे थे, ऊपर कुछ समस्या आ गई, लेकिन मेरा शौक फिर वही हुआ, क्योंकि मेरे सोच में वही था, मैं समझ रहा था कि वो लोकेशन मेरे शौक के लिए बेस्ट है। ये भी एक जरूरी चीज़ है कि आप ऑन पेपर अगर बना के कुछ भी चलते हैं, पेपर पे अगर है ना तो आपको कोई भी पॉइंट छूटेगा, पेपर पे नहीं है तो मैं ऐसे अभी आज मैंने शॉप खोल ली, मेरे प्लानिंग के लिए आज क्या माल मेरा बिकेगा या क्या चीज़ें हैं मुझे मालूम ही नहीं है, क्या स्टॉक है मुझे मालूम ही नहीं है। तो पेपर पे रहेगा कि हमें आगे ग्रो कैसे करना है, क्या सिस्टम करना है, वो जरूरी है। दूसरी एक बात जो है ना, कोई भी इवेंट को, कोई भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए प्रमोशन इज मस्ट। एग्जीक्यूशन में प्रमोशन भी जरूरी है, एग्जीक्यूट तो आप करेंगे लेकिन साथ साथ प्रमोशन नहीं है तो आपको अगले स्टेप नहीं मिलेंगे चलने के लिए। मैंने पहले सोच रखा था कि इस इवेंट के मैं 10 होर्डिंग लगाऊंगा, 10 होर्डिंग, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मेरे मतलब पर्सनल जेब में मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मैंने सोच लिया था पहले ही था कि इस इवेंट के मैं 10 होर्डिंग लगाऊँ। तो आप यकीन मानिए मैं 10 की प्लानिंग किया था, मुझे 20 होर्डिंग मिल गए। 20 होर्डिंग मिले क्यों मिले, क्योंकि बिकॉज ऑफ आइडिया लोगों को पसंद आया, और जिस हिसाब से मैं चल रहा था, काम कर रहा था, वो लोगों को पसंद आया, लोग सामने से बोले कि मेरे 10 होर्डिंग लगा ले, मेरे 5 होर्डिंग लगा ले। मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया, अभी बता रहा हूँ, 1 रुपया मैंने किसी को नहीं दिया, किसी कोटी वाले को, चाहे शिवू वाला हो, चाहे मिश्रा जी हो, चाहे कई कोटी वाले हैं, मैं लगा नहीं पाया। क्यों नहीं लगा पाया, क्योंकि मेरा बेस्ट नहीं था, एक कोटी लगाने के लिए लगाने के लिए 3,000 खर्चा आता है, क्योंकि उसका फ्लेक्स मटेरियल होता है, उसको टेस्टिंग करना होता है, उसको मिनिमम 3,000 का कॉस्ट है। जबकि वो होर्डिंग आप लेते जाएंगे शिवू वाले किसी से भी, वो 15,000 से 20,000 का उनका चार्जेस है, लेकिन मेरे लिए क्यों फ्री किया, क्योंकि उन्होंने देखा ये कॉस्ट अच्छा है, ये काम अच्छा है, तो खुद मेरे साथ जोड़िए, क्योंकि मेरे प्लानिंग में थे। मैंने पहले सोचा था कि मुझे 10 होर्डिंग लगाना है, तो 10 होर्डिंग मैंने लगाए और उसकी वजह से ये मेरा इवेंट और सक्सेस हो गया। जिस दिन होर्डिंग नहीं लगे थे, उस दिन तक भी मेरा लोगों तक इतना प्रचार नहीं था, लेकिन जिस दिन होर्डिंग लगा, आप यकीन मानिए मेरे पास 10 लोगों के कोई मैसेज आने लगे कि हम भी सोशल वर्कर हैं, हमने भी ये किया है, हमारा भी देख लो, अपने जो बायोडा भेज रहे हैं, अपनी इंटरेस्ट का भेज रहे हैं कि मैंने ये काम किया। मैंने कहा सर आपको भेज दिया, थोड़ा हमें पता नहीं चल पा रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आपको हम कंसिडर कर रहे हैं, अब मैं 30 लोगों को जैसे सिलेक्ट करना होता है कर लिया। तो अगर हम पहले ही प्लानिंग मैंने कर ली थी, अगर वोटिंग नहीं लगाता ना, तो मुझे जो ये रिस्पॉन्स मिला नहीं मिलता। अच्छा, इस फोन कॉल से जो लोगों ने मुझे भेजा, मेरा उत्साह हो गया, मैं और मोटिवेट हो गया, तो मेरे को लगा यार ये तो मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों के फोन आए कि यार हम उस प्रोग्राम में आना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं है, क्योंकि मुझे लिमिट लोगों को बुलाना है, क्योंकि मैंने ये भी ऑन पेपर पहले डिसाइड कर रखा था कि मेरे इवेंट में 100-150 से ज़्यादा लोग मैं नहीं बुलाऊँ, पब्लिक शो मुझे नहीं करना है। तो वो रीज़न क्या था कि एक्सेप्ट क्या होता है कि हम उतने गेस्ट बुलाएं जिनको हम संभाल सकते हैं, अगर मैं उन गेस्ट को संभाल नहीं सकता, उनको मैं देख नहीं सकता, तो मुझे उनको बुलाना मेरे कुछ नहीं। तो वही सोच के मैंने कहा मैं 1 मंथ शो कर रहा हूँ, अब वो जो गेस्ट आए हैं उनको मैं पता नहीं उनका अभिवादन कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, उनको ध्यान दे पाऊँ नहीं दे पाऊँ, तो मैंने अपनी तरफ से गेस्ट बुलाया नहीं। आप सोच लीजिए सिर्फ इंडस्ट्री से 8-10 लोग आए थे, उनको मैं ज़रूर तवज्जो भी दिया, उनका ध्यान भी रखा, लेकिन जो लोकल लोग गेस्ट आने थे जिनको मैंने बुलाना था, मैंने नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उनका सत्कार नहीं कर पाऊँगा, उन पर ध्यान नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि बन छुए बुला और सब कुछ मुझे देखना। तो
वो भी जरूरी है कि आप प्रमोशन, मैं बताता मैं कि प्रमोशन जरूरी है, प्रमोशन के बिना आपको मोटिवेशन नहीं मिलता। प्रमोशन हुआ तो मुझे मोटिवेट मिला तो मैं कोर्स को अच्छे से कर पाया। तो दूसरा कभी अब चल रहे हैं तो जिस तरह मैंने अभी आपके यहाँ देखा कि एक सब लोग हाथ खींच के आदमी को पकड़ रहे हैं आपका लोगो अच्छा है, तो उस तरह से हर जगह होता है कि 10 लोग आपका पैर नीचे से खींच रहे होते हैं और कुछ लोग ऊपर खींच रहे होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है उस समय कि जो नीचे नीचे देखो ही मत, जो खींच रहे हो तो खींच रहे मत, आप ऊपर अपना ध्यान रखो, ऊपर वाले का हाथ पकड़ो अपना हाथ खींच रहा है, नीचे वाले का ध्यान देंगे तो आप अटक जाएंगे। और हम अक्सर क्या करते हैं, नीचे वालों को ध्यान दे देते हैं क्योंकि वो हमें गलत राय दे रहा है, हमें सब समझ नहीं आता कि क्या राय दे रहा है, वो कुछ भी राय दे रहा है। तो वो राय भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो अच्छी राय देने वाला भी बहुत जरूरी है, तो वो अच्छी राय कौन देता है, वैल्यूएशन देते हैं। तो ये इसीलिए ना कहना जरूरी है कि वैल्यूएशन भी सुने। अच्छा प्रमोशन क्यों भी, वो भी बढ़ता हूँ। अभी आपने एक गाना बहुत चल रहा है, कौन सा गाना जो चलता है आजकल, पूछता हूँ, आपने बहुत सुना होगा और उस पर मेरे किताब में कुछ लोगों ने रील्स भी बनाई होगी, क्या है ये गाना, आपने बहुत अच्छा सुना होगा, लेकिन सुनिए और इस पर कोई एक्टिंग करना चाहता है एक्टिंग कर सकता है। इसको सुनाने का भी एक मकसद है। तो ही बिजनेस करो, नहीं तो आपको
शटडाउन करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे मेरे पास बनाए हैं, इससे जगहों की तो नहीं है, वसाइयों की तरफ से मैं देख रहा हूँ वो दौरे के बाद अभी चाय की दुकान बहुत हुई है। आज आपने देखा हुआ उन्होंने अच्छा प्रमोशन भी किया राजा वाणी वाले ने, उसने होर्डिंग लगाए थे वो वसूल कर, उसको लगा कि होर्डिंग लगाऊंगा मैं मेरा धंधा चलेगा, वो चाय बेच के करोड़ों रुपये कमा लिया। लोग तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी काम करें उसमें प्रमोशन पहले नंबर पे है, हम उसको लास्ट कर देते हैं कि भाई लास्ट में करेंगे, अरे लास्ट में नहीं प्रमोशन पहले है, प्रमोशन ही नहीं होगा तो आपको बारे में पता ही चलेगा, पता ही चलेगा तो कैसे करेंगे हम। तो एक ये भी फंडा है, प्रमोशन बहुत जरूरी है। तो कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं अगर नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा उसके भी रीज़न होते हैं, वो रीज़न पर आप खुद शांत मन से सोच सकते हैं कि क्यों नहीं चल रहा है, फिर आप कुछ लोगों की राय भी ले सकते हैं कि क्यों नहीं चल रहा। अभी देखो विवेक बिंद्रा का नाम आपने बहुत सुना होगा, मोटिवेशन है वो हर अपने प्रोग्राम में सेमिनार में बोलते हैं कि उनके टिप्स से कोई भी बिजनेस चल सकता है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ उनके करोड़ों फॉलोअर करोड़ों ठीक है, और वो बहुत पैसा करोड़ों रुपये छाप भी रहे हैं, लेकिन वो क्या बताते हैं कि भाई मेरी स्ट्रेटजी से काम करो, लेकिन वो जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं उसमें खर्चा है, उसमें खर्चा है, पहले तो उनके आपको उनकी वो लेनी पड़ेगी, वहाँ खर्चा है, फिर आगे वो खर्चे वाले काम बताएंगे तो वो आप करेंगे मैम, तो वो भी हमें नहीं करना, हमें खुद ब खुद हम अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, उनके तक जाने की जरूरत नहीं है। वो अगर बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं तो मैं खुद बता रहा हूँ, अगर वो ये बोलते हैं कि मैंने इनको बताया था इनका धंधा चल गया, अगर उन्होंने एक करोड़ लोगों को बताया है उससे हजार लोगों चल गया तो बच्ची बड़ी बात है, बाकी लोगों तो डूब गया ना, बाकी लोगों तो डूब गया, तो वो बताते हैं जो सही है, जो हमने पॉजिटिव किया है, जो नेगेटिविटी है वो कोई बताता नहीं ना कोई देखता, अब उसके करोड़ों फैंस हैं लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि उनके मार्गदर्शन में चल के फ्लॉप कितने हुए, उनकी बात सुन के फ्लॉप कितने हुए। आप खुद अपने बिजनेस को खुद ध्यान से चिंतन करेंगे ना आपको समझ आ जाएगा हम कहाँ बंद हो, या किसी अच्छे दोस्त की राय लेंगे तो आपको तब भी समझ आ जाएगा कि हम कम कहाँ थे, हमसे गलती कहाँ, गलती ये होती है कभी भी हम शॉप गलत जगह पे ले लेते हैं, कभी कभी ये गलती होती है कि हमने शॉप गलत जगह पे शुरू कर दी, तो कभी कभी ये गलती होती है कि वहाँ पे उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, उस चीज़ का कस्टमर ही नहीं है, तो वो भी एक गलती होती है। तो इस तरह की कई गलतियाँ हम बिजनेस में कर लेते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी सबसे पहले देखिए उसकी दुकान है कहाँ, उसकी शॉप है कहाँ, उसका ग्राहक वहाँ पे है या नहीं है, तो वो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है। तो वो भी अक्सर लोग भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि मैं दुकान जो ले रहा हूँ उसका भाड़ा 10,000 रुपये है, लेकिन जहाँ दुकान चल रही है उसका हज़ार उसका 50,000 भाड़ा है, मैं डर के मारे 10,000 वाले से सोचता हूँ कि भैया ये ले लेते हैं कुछ होगा भी नसीब डूबेगा, ये एक बड़ी गलत सोच है हम मेरे अंदर भी सबके अंदर होती है, हम 10,000 का रिस्क ले लेते हैं लेकिन वो रिस्क गलती है। आप 50,000 की दुकान लेंगे ना तो उसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि वहाँ कमाने वाले हैं या डुबाने वाले हैं, ये भी हम नहीं समझ पाते कभी कभी। तो मेरा कहना है अगर कभी भी दूसरी एक चीज़ सोचता हूँ, मेरे अभी कल भी एक फैन का फोन आया था, कोई वो क्लीनिंग मटेरियल का काम शुरू करना चाहता है, तो मैंने जो कहा कि ऐसे मत कर, प्रॉपर लेवल पे कुछ कर, पता नहीं थोड़ा करके रहेंगे, मतलब थोड़ा बहुत करने का थोड़ा बहुत डूब जाएगा, अगर बड़ा करेगा तो एक ही बार बच जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा में क्या होता है एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपीरियंस तो लेना नहीं आपको, अगर एक्सपीरियंस लेना तो ठीक है, लेकिन आपको बिजनेस ही करना है, एक्सपीरियंस नहीं लेना तो आप सोच समझ के चलिए, जगह मौके की लीजिए कहीं भी बिजनेस करना है, और कोई भी चीज़ अगर प्रोडक्ट आप करें तो पहले मार्केटिंग उसकी सर्च कीजिए, क्या प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पे उसका बायर है नहीं है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वो भी हम कई बार चूक जाते हैं और वो भी लोगों के बहकावे में आ जाते हैं कि ये सस्ती दुकानें ले लेते हैं, तो वो भी हम बड़ी गलती करते हैं। तो ये भी एक सजेशन है कि कोई भी शॉप अगर लेते हैं कोई बिजनेस करते हैं तो एक उसका प्रॉपर जगह होना ज़रूरी शुरू है, अगर हम जंगल में कोई होटल खोल देंगे तो जंगल में तो कोई आएगा नहीं, आएगा लेकिन तो उस शब्द आएगा अगर आपने वो जो जंगल में खोला है उसको आपने 1,00,000 रुपये लगाया और प्रमोशन आप 10,00,000 का कर रहे हैं तो लोग आएंगे, फिर आप बताएंगे कि यहाँ शांति है, यहाँ पीसफुल है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, तो वो सुन के भी लोग वहाँ पहुँचते हैं। अब रिसोर्ट क्यों चलते हैं, रिसोर्ट में यही तो प्रचार करते हैं कि आप एक कोने में भी खोलेंगे चले गए वो प्रमोशन करते हैं, तो अगर ऐसा है तो प्रमोशन बहुत जरूरी है। तो दो तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, मैंने बता दी कि एक तो प्रमोशन इज मस्ट है और फ्रेसिंग आप करते हैं तो बहुत ज़रूरी है, और कुछ लोग होते हैं कि फिर भी बिजनेस नहीं चलता,
तो फिर वो बिजनेस चला, तो मतलब उसने पहले में अपनी पेन मिस्टेक है, तो वो हमें ढूंढनी पड़ती है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या मार्केट से हम ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं। अभी आप सोच सिंपल से सोचिए, बाबा रामदेव ने एक 10-15 मिनट आधे घंटे का योगा करके एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन क्यों खड़ी कर दी? क्योंकि वो दिखने लग गया टीवी पे, योगा कराने लग गया, बताने लग गया, अपना प्रोडक्ट बताने लग गया। तो उसने भी पहले अपने आपको दिखाना शुरू किया टीवी पे, पहले उसने आधे घंटे का स्लॉट लिया था किसी चैनल पे, बाद में उसने वो चैनल खरीद लिया, बाद में उसने वो चैनल ही खरीद लिया। तो वो क्यों? लेकिन उसने उसको लगा कि प्रमोशन का दम। हाँ देखिए, छोटा सा आदमी, योगा करने वाला आदमी, आज अगर ये संपत्ति है, वो बिजनेस है, तो सिर्फ उसने भी क्या देखा? प्रमोशन। प्रमोशन उसने अपना किया, सिंपल स्ट्रिक्ट से किया। हालांकि मैं उसको फ्रॉड बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जब वो आया था ना, तो क्या बोलता था? मेरा तो कोई खर्चा नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं, मैं रेट टू रेट कॉस्ट कॉस्ट आपको प्रोडक्ट दूंगा। लेकिन कोई कॉस्ट टू कॉस्ट सबसे महंगा बेच रहा है। अब जिसकी अमिताभ बच्चन ऐड कर रहा है वो सस्ता बेच रहा है, जिसकी खुद ऐड कर रहा है वो महंगा बेच रहा है। तो क्या तुम देश के लिए कर रहे हो? मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आया, मुझे उसका थोड़ा पसंद नहीं है। क्योंकि पहले वो क्या बोलता था, मैं देश के लिए कर रहा हूँ, है ना, प्रोडक्ट सस्ता मिले, अच्छा मिले, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। लेकिन अब कहाँ गया, खत्म हो गया, वो कमाने में लग गया, हर चीज़ उसकी महंगी आज। और 100% वो प्योर बोलता है, प्योर भी नहीं है शायद, मतलब उसमें मैं नहीं जानना चाहूँ, मतलब इस तरह की चीज़ है। लेकिन वहाँ भी पॉइंट क्या है? प्रमोशन। तो कोई भी चीज़ आप करते हैं उसका प्रमोशन जरूरी है। हरमन सब क्यों पीछे रह गए बताओ मैं आपको? मेरे अच्छे दोस्त बन गए कुछ समय में, क्योंकि इन्होंने अपने प्रमोशन पर ध्यान नहीं दिया। आज ये बताना बहुत जरूरी है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये नहीं बताएगा वो दुनिया को कैसे काम करेगा, वो आपके घर में देखने नहीं आए। आज बड़े बड़े हीरोइन, बड़े बड़े हीरो, अमिताभ बच्चन तक ने पीआर रखा हुआ है, पीआर कंपनी रखी है, वो उनका प्रमोशन करती है। तब आप उसको आज भी अमिताभ बच्चन मान रहे हैं, अगर वो प्रमोशन नहीं करते तो अमिताभ को भी वो भूल जाते थे। आज बड़े बड़े लोग जो है ना, एयरपोर्ट पर उतरते हैं ना, पहले हमारे सबको मैसेज आता है कि मैडम सर यहाँ उतरने वाले हैं, तो सब कैमरा लोग पहुँच जाते हैं, है ना, वहाँ पर उनका भाई चलता फेस टीवी आप फोटो जरूर देखते होंगे कि फलाना यहाँ से आया, फलाना यहाँ से आया, क्यों कैसे आएगा, वो प्रमोशन करते हैं, उनकी पीआर एजेंसी लगी हुई है। आज आप ये मत सोचिए कि कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा, आज पहले भी प्रमोशन जरूरी था, आज भी प्रमोशन जरूरी है। प्रमोशन इज मस्ट। अमन जी आज आप सभी सोच समझ लीजिए कि कुछ भी कर रहे हैं, प्रमोशन पहले, काम बाद में करना, तो काम बाद में करना, पहले प्रमोशन करा, पहले से बताना कि भाई ये मैंने प्रमोशन कैसे शुरू किया, मैंने अपने चैनल में इंटरव्यू डालने शुरू कर दिए, सब लोगों से मेरा अपना इंटरव्यू डालना शुरू किया, तो वैसे लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़नी शुरू हुई कि क्या है क्या है, मुझे भी मिलता है वसई गौरव, मुझे भी मिलता है वसई गौरव, मतलब लोगों में क्यूरियोसिटी आने लगी, धीरे धीरे इतनी क्यूरियोसिटी होगी कि लोग सामने से फोन करने लगे। तो वो मैंने पहले क्या किया, प्रमोशन किया, मैं सीधा आगे शो कर देता तो मैं किसी को पता चलता कुछ होता, लेकिन मैंने उसका प्रमोशन स्टार्टिंग से शुरू कर दिया, पहले भी शुरू से, और उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला, मेरे चैनल में व्यूअर बढ़ गए उसमें, और बहुत सारे लोगों ने देखा है, मुझे कुछ इनकम भी आई है, हालांकि ज़्यादा नहीं आती है क्योंकि मैं अपना ध्यान नहीं दे पाता। फिर भी अभी हरमन सर के जो चला था, आई थिंक 700-800 लोगों ने देखा हुआ था, तो इन्होंने जो देखा मुझे कुछ शायद 50,000 रुपये आया है, लेकिन वो 50,000 भी काम करते हैं ना, ऐसे 50,000 लोगों के आएंगे तो मेरा कितना बढ़ता जाएगा। तो कह रहे मतलब प्रमोशन, फिर मैं एक बात बोल रहा हूँ कि कुछ भी कीजिए प्रमोशन पहले कीजिए, एग्जीक्यूशन तो होता रहेगा, उसके लिए आप टीम भी रख सकते हो, लेकिन प्रमोशन का बजट नहीं है तो आप कुछ एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकते। एग्जीक्यूट में मेन चीज़ वही है कि आप पेपर पे उतारेंगे इस कोई चीज़ और प्लानिंग लेके चलेंगे तो आप सक्सेस होंगे, नहीं तो फिर मुश्किल है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन हरमन सर ने बुलाया कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, तो मैंने किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ, किसी का अगर बिजनेस नहीं चल रहा पर्सनल लेवल पे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं 100% आपका बिजनेस चला के दिखा दूंगा, ये मेरा धारा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ सवाल पूछने हैं या कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो दे देना आज विदाउट माइक आई थिंक यू कैन हियर यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर देवेंद्र सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। और मेरे बारे में अगर बोला गया तो 100% सच बोला गया है। माय फर्स्ट फिल्म हैड रिलीज्ड इन 1996 विद वेरी बिग स्टार कास्ट, सुनील शाह जी, सनी देओल, शिल्पा शेट्टी, नोबडी वाज इट इन वाज 96 में मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई है। 92 में मेरा बेस्ट एक्टिंग अवार्ड महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का है,
जो वसई में आज तक किसी के पास नहीं है, नेटिव में बाहर से वसई में आया है देवेंद्र सर, तो वो सीनियर है मेरे से। बट ये जो पॉइंट है प्रमोशन का, ये बहुत लागू है। तीसरा डोरा का एक सीरियल आता था, उसमें कंटिन्यूसली मैंने 25 स्टोरीज में मेन हीरो का रोल किया। अच्छा, मेरे साथ जितने मराठी में थे वो मेरे, मैं मेन हीरो था, वो बेचारे नहीं रहे, एक मराठी एक्टर बहुत आगे बढ़ गए, एक्सपायर भी हुए, बट वो मेरे साथ में सेकंड फिडल एक्टिंग करते थे। बट आई हैड टू लर्न टू भारत पेट्रोलियम फॉर सेकंड शिफ्ट, और नौकरी करते करते ये हुआ था। तो प्रमोशन उस टाइम पे मैं अगर करता तो मैं जॉब कब का छोड़ा होता। सो आई थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। Thank you, Devendra sir. That was very inspiring. And even I would like to share a short experience what I had with Devendra sir. Around 6-7 months ago, I was posting for an NGO. My sir was representing the media and he was present as a journalist over there. So he seen me hosting the show, and I was doing that for just like being sick, because you know, just told that since you're a part of this interview, you have to just take the mic and announce. And I did it just randomly, and sir approached me to host his beauty contest 2021 show, which was again a very big success. I think 70-year-old woman participated in that show, so it was a 67-year-old ma'am. She was there and she was so excited, and all the youngsters were like, you know, just watching at her. So I want to just tell you all that he's the one who actually saw the talent. And Vasai Gaurav Awards still are, the fever is still going on. I'm getting calls, so thank you sir. And I think there are many such people who are just waiting for you and wanting you to, you know, get that talent out. So let's proceed further. Before that, I would like to invite Diana ma'am, and we would just want to present a token of love and appreciation to you for coming here and giving us your valuable time. So very, very true in my case. I started the store 4 years back.
and we had best of products, best of brand, international brands and so on. So this is the challenges and the difficulties I had. I didn't do promotion, that's the first thing. I didn't do proper research where the location has to be there. Obviously the marketing, I didn't do at all. I thought it's just like I am selling hotcakes and people are standing in line, nothing happened. I had the reality check. I had a very bad 2.5 years. Okay. I'm being very honest out here. Though we had the best of product, best of fabrics, best of rates, but no one knew that my store would get it over. But that time I reached out to Nilesh 1.5 years back and I heard about BCCA. I told him that give me 6 months time, I will get back to you and I'll revive my business and I'll get back to you. I did reach out to him after a year actually. But this is the first thing. I did a lot of retrospective about my business, what I'm doing wrong, what I'm supposed to do, what does the customer want, how do I retain customers, how do I provide best service, best product with a reasonable price. I did a lot of retrospective of this and by God's grace we're doing well. Obviously then I reached joined BCBA and obviously I got to know a lot more people. I have a lot of customers and I'm very thankful for all the BCBA members who have visited me and motivated me. I completely listening to him, I completely agree. Without promotion nothing works. I started doing a lot of research. I left my job 6 months back and completely decided to work on focus on my business and by God's grace we're doing pretty well, pretty good. We deal in surplus products, so I'm talking more about my products right now. We deal in international brands like H&M, Jack & Co, Puma. A lot of menswear, kidswear and big size, plus size. So what I realized that in Versailles, especially in Versailles, there are no big sizes available at a reasonable price. So that's where my focus was. So I started having a couple of categories. In the business world, they say focus on one category. But I believe in focusing on three different categories where the supply is less and demand is more. So that's what I focused on. And we're doing pretty well. Coming back to Devendra sir, when he said the location part, very interesting. I mean, I was able to connect to the points what you were saying because I went through that. Because I always say that people come to me and they ask me, how long is this store open? When I tell 4 years, they don't believe it. So I try to say it's just 1.5 years old. That's where people started recognizing me and knowing about me. I started promoting, obviously. The financial part played a major role in that. I really didn't have proper guidance on how to promote. I started promoting within Versailles local group. Started making small videos. I should just put pics, as you said. No one knows what the quality is, what we are selling. It can be fake, it can be bad quality, but it looks good. Someone suggested, why don't you prepare small videos and clips about your fabric and showroom so that they have an understanding of what you already selling. That's where I started getting a lot of response. So, thankful for that advertising. I started my own video YouTube channel. I get orders from all over India, also got from international Germany, New Zealand, UK, Australia. I started getting international orders too. So, that's a motivational part of it. I also want to invest more on marketing now, call in YouTube influencers and channels and start advertising more. This has really given me more thought process to think and advertise more. So something about that, and that's about my business. The few things people come and ask me, what is surplus? This is the normal question that everybody come and ask me. Now, as a businessman, I don't need to tell you what exactly it is, but I'll try to give you a small example of how it works in garment industry. If they get a place and order an amount of 1,000, this is a very small amount, but an international client orders 1,000 pieces of a shirt, right? What a supplier does is he creates a 5% margin of extra clothing. Now what happens when dispatching, it might get damaged, it's a defect or whatever the thing, quality check has been done. That 5% is used to replace the damaged stuff and so on.
Now what happens if there is no damage? What they do of the extra surplus? The distributors out there go and collect that. Now that is a definition of surplus, an extra of anything. Now in market there are people who sell surplus ke naam pe, they sell a lot of things. Some will have tags, some will have detagging and so on. But to be very honest, surplus is something which, when you touch quality fabric, you come to know what exactly fabric is made out of. So a lot of people is not aware of what is surplus. So I just wanted to say, when I say I deal in surplus product, people are not aware of it. So I just wanted to give you that small part of it. And yeah, again, I would like to thank you all for giving me this opportunity to speak about my shop. Currently, yes, we are located in Manikpur and Kumarwala, Nursing Market Church. But yeah, eventually we are looking out to reach out to a better location, and obviously the budget and the costing also matters. But yeah, due to COVID, we took a back step, but we're looking to move away hopefully soon. But yeah, that's the goal. Our current goal is to make sure we provide good quality product at a reasonable price. And obviously the third thing is to build up relationships so that, you know, we provide, keep on providing good quality product for all the members, middle class people and so on. So that's my goal currently and I'm working towards it. I hope I reach faster with it. Thank you everybody. लॉर्ड का भगवान कुछ भी प्रमोशन के लिए मेरी हेल्प करेंगे तो हमेशा इनके साथ expect. I mean, how can we help you? How
I mean, we can really help you to grow your business. Good evening, Adana Mathi Kulasa, the FB Creations
scientific water tank cleaning चा माझा request आहे. आपला मी कोणाला यापैकी काही सर्विस हवी असेल तर प्लीज मला कॉन्टॅक्ट करा. थँक यू वेरी मच. Myself, President Gonzalez, it's a team of 14 Protect. We have two IT and security systems. We also provide power solutions, solar. If you have any requirements, please let us know. Good evening. Maza Nao Jonas Pagara, Namrata Enterprises. Water Purifier Sales and Service. Jar tumcha gharasathi Water Purifier. म्हणजे आम्ही 5 लिटरपासून ते 5000 लिटरपर्यंत वॉटर प्युरिफायर प्रोव्हाइड करतो. तुमच्या घरासाठी सॉफ्टनर्स हवं असेल तरी तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. नम्रता एंटरप्राइजेस. थँक्यू. गुड इव्हनिंग सर. जसे बोलले प्रमोशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिझनेससाठी. तुमच्या बिझनेससाठी प्रमोशन मी करणार. मी बिझनेससाठी तुमच्या वेबसाईट बनवतो, तुमचं ब्रँडिंग कंटेंट बनवतो. वेलकम मॅडम फ्रॉम द मॅनेजमेंट कन्सल्टंट्स. थँक्यू. Good evening, I am Farhan Mohan. I am from 9 Parameters. We are in manufacturing of modular furniture. Furniture required for modular kitchens, home furniture offices, and various institutional use. You can contact me for any of your needs. Thank you. From the Sunday Digos, real estate the business. Good evening, everyone. This is Louis Arnaz. We make your functions go happy. We add the cherry on top of your function because we are into cakes, Danish cakes, one branch at Kokila and one branch at Manipur. Good evening, DCBA members. I'm Diana Sattam and my company's name is Neat Consultancy Services. We are into payroll and statutory compliances. We also help in obtaining licenses such as shops and establishment and contracting license. I have another business name as Expert Cleans. What do? We wash your cars at your doorsteps just in one mug of water. It's an eco-friendly car wash. We use microfiber cloths and wax-coated dusters to clean your car. For a free demo, you can call us at your doorsteps. This is Diana Sattam. Thank you. If any problem in installation, maintenance and service, please call me. Thank you. When you always make money, you like to park the money somewhere, buy property. I am into industrial colors, properties with good monthly returns, and besides industrial colors, we have shops, commercial shops, bungalow plots, flats for sale. Basically, we are into property trading, and besides Harman Homes, we are going to have a company called Harman Entertainment. We are going to announce a very big event on 30th April. We are planning it. Soon I'll put it in the group. And you know that I'm an actor, so if anyone of you is producing a film or directing a film, let me know. Thank you so much. Plots, villas and bungalows. We are coming up with a new project
So details will be shared on the CBA platform. Thank you. Thank you, sir. We now have a presentation on performance and plans for next year by a founder member and working committee member, Nilesh sir. Thank you, Bill. Now we come here for the meeting month on month. But it's Khaila Pailada Amar in the end. So it's a good thing. The Khaila Pailada Sadi Amar Paisi Dile Lada. But we have one thing in common, the need. And what is that need? We come for business. The business is the same. Basically, it's the existence line. ठीक है अपन एक charitable institution आ गया सा अपन बोल. But at the end of the day, every member has to have some gain from BCBA. And it is our duty to evaluate the performance. So this is a brief journey. We started in 2016, the first year anniversary, second year anniversary, third year, fourth year. Before fourth year, I think एक अपनी golden jubilee meeting पर होती. अनेक बार तेज़न अंतर lockdown आ गया, तेज़न अंतर बाद बरेट्स online webinars आ गए, जैसे अपन यहाँ संगीत ले. 21 webinars, 9 virtual 5 visits. After long time, then we had the 51st. Monthly meeting that was physically conducted after the 8 months gap in December 2020. Then 53rd meeting was somewhere in February. That was for Valentine, and we organized with families. Then again 54th meeting, second lockdown, so second wave wali. Kya apna online gelo. Then 59th meeting was online. Then 62nd meeting which is hoti. That was a collaboration between Dimensions and BCBA. We had a grand event. Tajanandar Parat, Tisre Vyomade Don Mahine Aman Parat online gelo. And today we are at 66th meeting. These are a few activities that we did online. 21 webinars, wherein more than 500 guests registered and participated. We got topmost speakers all around the, not only India but in fact from abroad. You can see the topics, those we covered. I mean, Saga areas were there. Prakash sir, I had done April 20th, Shuruvat ke liye the first webinar jo conduct ke laa tha. To fakt ek test mano conduct ke laa tha. But then we never knew that we would go ahead in a rhythmic pattern. चार अपन महीने जो जो चार फ्राइडेज होते हैं चार ही फ्राइडेज अपन इवेंट के लिए अक्टूबर 2020 वर पर अनि 2020 अक्टूबर 2020 नंतर करते दोन इवेंट वर अपन खाली आते जो अनबॉक्स सुरू झाला होता तो वर्चुअल साइट विजिट्स अपन केले होते लॉकडाऊन मध्ये जिथे अपन बाहेर जाऊ शकत नव्हते तिथे मेंबर्सच्या फॅसिलिटीजला विजिट करण्यासाठी अपन वर्चुअल साइट विजिट्स सुरू के लिए यू कैन सी थर्ड वर्चुअल साइट विजिट फ्रॉम इंडो बाल्टिक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑल द वे फ्रॉम एस्टोनिया ती वर्चुअल साइट विजिट साधारण 45 मिनिट्स साठी झाली आणि त्याच्यानंतर जवळजवळ 45 मिनिट्स अपन वर्चुअली एस्टोनियाचा जो सिटी सेंटर आहे तिकडची साइट विजिट केली होती. दिस इज द लिस्ट ऑफ मेंबर्स beneficiaries who have benefited in the last 1-2 months. We have not compiled this time, but generally we compile who is the giver as well. But these are the parties who have announced their business on the group. You can see Vincent Macharo, Namrata Enterprises, Daryl Lopez, Luis Anonis, Savio D'Souza, Fauzi G, Lloyd D'Souza, Baron Lobo, Ruby Trips, Clifton Tustano, Herman D'Souza, Sligo Global Net Computers, Rajesh Macharo, Anuj Dabre, Julian Sequeira, Suraj Gonsalves, Nilesh Manajis, and Swapnil Pareda. We believe that this list is still incomplete, or maybe 20-30%.
There are a lot more members who get benefit from BCBA, but they feel shy in announcing. परंपरा आम्ही सांगतो की जेव्हा तुम्ही अनाउन्स करता तेव्हा तुमचीच क्रेडिबिलिटी वाढते. अनाउन्स जो करतो, जो बिझनेस रिसीव करतो, त्याचीच क्रेडिबिलिटी वाढते की त्याच्याकडून इतर लोक बिझनेस घेत आहेत, तर आपण देखील घ्यायला ट्राय करत पाहिजे. सो वेन एव्हर यू डू बिझनेस प्लीज अनाउन्स, अँड दॅट इज ऑल्सो मोटिवेशन फॉर अदर मेंबर्स टू जॉईन. सो प्लीज आय मीन मेक नोट ऑफ दिस एंड रिक्वेस्ट, सिन्सिअरली रिक्वेस्ट, बीसीपीए डझंट एक्सपेक्ट a single rupee from whatever you want. Kadhi appeal hi hot nahi. Swa kushi ne deu pan shakta, nahi pan deu shakta, but please make announcement. Now this is something new that we are starting from new financial year. Ya monthly meeting chi aapli ji fees aste 750 per month hai. So we are trying to collect that fee in advance for 12 months. Starting from April onwards, 750 into 12, so that will become 9,000. So that 9,000 will be payable in first month itself. And we request you to, I mean, subscribe to this plan. आणि ही जी मीटिंगची जी फीज आहे ती कन्सिस्टंटली फॉर 12 मंथ्स. टर्म्स अँड कंडिशन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. The commitment fee once paid will not be refunded, not extended, not adjusted. तुम्ही जर येऊ शकत नसाल तर तुमचा एक प्रॉक्सी तुम्ही पाठवू शकता तुमच्या ऑफिसमधला एक कलीग. नॉट नेसेसरी की म्हणजे जरी आपली क्रिश्चन संस्था असली तो एक ऑब्जेक्टिव्ह आहे, पण प्रॉक्सी म्हणून तुम्ही तुमचा स्टाफ मेंबर क्रिश्चन नॉन क्रिश्चन कोणीही पाठवू शकता. But who is going to talk on about your business? Now this commitment fee, 9,000, which will be collected, this is exclusively for second Friday's meeting. Aanchi jashi meeting ani tyacha sathi. Kadhi tari tyacha vyatirikt jar additional meeting asli. For example, dimensions barobar apan samjha additional meeting Mumbai la karat ahot kiwa ithe karat ahot. तर त्याची फी सेपरेटली पे करावी लागते. तर कदाचित एका मंथ असेल तर त्याची फी सेपरेट असेल, कारण त्याचा व्हेन्यू डिफरंट असेल आणि मग डिफरंट कॉन्फिग्युरेशन असेल. कदाचित ते फुल डे मीटिंग असेल, हाफ डे मीटिंग असेल. सो ती मीटिंगमध्ये ही फीज ॲडजस्ट केली जाणार नाही, पण त्याच्या व्यतिरिक्त त्याच्या ॲडिशनल इम्पॅक्ट म्हणून एक मंथ ॲडिशनल त्याचा एक्सटेन्शन होईल. New members who are going to pay registration fee, and I mean we are planning to have new members only with commitment fees. Those who will pay commitment fees, so 1,500 as registration fee and 9,000 as annual commitment fee. So effectively new members will be added with 10,500. And this one time those who do not want to pay this commitment fee ani ithe je tya meeting sathi yete tya vela ti meeting chi fee apan 1000 karat ahot. So ha ek proposal ahe to make BCBA more effective so that members will not take all things granted. Now we have almost finished 5.5 years. 6 varshala apan yet ahot. एक्झॅक्टली 5.5 वर्ष झालेली आहेत आणि 6व्या वर्षाला आपण टच करत आहोत. या सेकंड फेज मध्ये जाण्यासाठी हे आम्हाला कमिटीला इन्फॉर्म. नाव दिस इज ओपन फोरम फॉर नेक्स्ट 5 मिनिट्स. तुमचे काय व्ह्यूज आहेत त्याच्यामध्ये? विथ युअर परमिशन ओनली वी कॅन इम्प्लिमेंट दिस. तुमचा काय व्ह्यू असेल तर आपण घेऊ शकतो, नाही तर मग आपण म्हणजे अप्रूव्ह झाला असं मानू शकतो. पण काही तुमचं जे ऑब्जेक्शन असेल, तुम्हाला वाटत असेल हे असं नाही करायला पाहिजे किंवा काय करायला पाहिजे, काहीही वाटत असेल प्लीज बी ओपन अँड बी ॲज ॲग्रेसिव्ह ॲज पॉसिबल. आपण तयार आहोत म्हणजे जो असेल. यस, half of the members of the community members, so they have to be here. Manu, they are.
getting the advantage of the BCBA. जाना BCBA through business built हो, तो अते BCBA through दूसरा ना business जेता तेरो को कुटे आते. Why are people not coming? Is Friday not going where is it there? Is that the thing? You need to see that. अगोदर आपला Saturday ला actually meeting morning ला, is that time schedule good with people? We need to think about it once again. Because last 3 to 4 meetings when we are attending, it physically people are really worn down. Before lockdown we had a good number of people, but after lockdown and after all that, why people are vanishing and why people are not constant? So we need to think about it. एक सजेशन असर होते कम्युनिटी मध्ये होतं की नाव दिस 100 पीपल हु विल पे इन ऍडव्हान्स काय झालं 6 वर्षापासून व्हॉट वी हॅव एव्हरी मंथ अ हेडेक पीपल कॉलिंग एव्हरी मेंबर ट्राइंग टू गेट देम रजिस्टर्ड मेकिंग मेक देम पे द वेन्यू कॉस्ट हॅज इंक्रीज्ड द फूड कॉस्ट हॅज इंक्रीज्ड we are spending some money from BCBA also every for the meeting. आता जे advantage काय होईल की समजा 100 आपण members आपल्या मध्ये 300-500 members होतील, but 100 members are committed. At least the working committee will have little relief of worrying about every month and at the time when you are sitting here we are worried 6 o'clock झाले, एकच आला, दुसरं दोन आले, तीन आले, मेंबर येतील की नाही, बट 100 पीपल वर कमिटेड आपण त्याला 750 मध्ये मॅनेज करू. वरची कॉस्ट आहे बीसीबी विल पे, पण दॅट इज अ गुड आयडिया. व्हॉट आय थॉट दिस आयडिया इज अ वेरी गुड. आणि द अदर क्वेश्चन्स व्हाय पीपल आर नॉट पुटिंग टेस्टिमनीज, देर आर मेनी पीपल हु वी नो दॅट डूइंग बिझनेस इन बीसीबी बट दे आर नॉट पुटिंग अप टेस्टिमनीज. व्हॉट आय ऑल्सो सजेस्ट इज वी हॅव अ सेपरेट लाईक ग्रुप मेड वेर दिस मेंबर्स आर have paid in advance. Because I have noticed similar groups like BNN and Dimensions where thousands of rupees fees are being taken and committed only to do business with each other. People are very active. I somehow have a feeling that just because we are non-profit organization and we don't charge anything for doing business with each other, we are taken for granted. That is our Subhat Ashkari Kaluya. That is my request. माझं सजेशन होतं की ही फीस वर्षाची न देता 6 महिन्याची गेली. स्टार्टिंग 6 महिन्याची करायला काही हरकत नाही, फर्स्ट ट्रायल बेसिस होती. कारण जर वर्षाची गेली तर तेवढे मेंबर्स त्याच्यामध्ये येणार नाही. Even if I want to meet somebody, it is not possible. Yes.
But if, when the meeting used to be in the morning, and I want to meet somebody, I can meet them and then go. Then my networking becomes fruitful. So personally, I would definitely recommend that. Morning. I think even others, it will work. We have tried it. We have tried it. Yeah. Morning, upon morning, but it was morning. But morning, evening, morning, evening, whatever. And if evening, your preference just to that, we shifted to the other. So he was put to Saturday, Sunday, Friday, or ladies' day. Now, since my suggestion is, since the scenario has changed, the business scenario, the work environment, post the pandemic, let's give the opportunity for a Saturday morning meeting. Let's hold the next meeting and see how many people. Yeah, we can so that was before. What we have noticed, again, maybe we cannot achieve, but when there is dinner and cocktail involved in a Friday evening meeting, I have found many people, many members have started coming. Initially, when we started. So that was a thing of we have a dinner and we have a meeting over cocktail and dinner. So that part maybe not be mentionable, but what I experienced last meeting, I just had an observation. People came after the meeting for the cocktail. I was just discussing it with Diana Ma'am before the meeting started. People came, I saw people coming when the meeting was over. Somewhere I had got a call, he's having a meeting, then they said, ha, Zali. Okay, we 5 minutes, she posted. People came in after the meeting. Thank you.
a group. You may start with 10 people, 20 people. So that will not give you traction. What we do in the existing group itself, you paid for 6 months, you paid for 12 months, you become an admin. The entire group is blocked. Only admins can post messages. So that way what happens is, you get the exclusive right to promote your product. Yeah, right. Others might exit. We can start like that. No. That's a suggestion. Just a suggestion. It is a very sensitive thing because an admin privilege can be discussed the format can have a lot of issues as well. So no, there's a misunderstanding. We will retain the main groups as they are. As they are. But we will not remove them and put it in the event group. No. So friends, we have members, as you know, that Coach Raymond is all the way from Newmont. So we need to finish in time. These are member exclusive benefits, caring concern. There's a sense of belonging. We are part of BCBA member. We offer opportunities for exhibitions, come sale, whenever possible. We have a paid version of Zoom, which is available for members for just 10 rupees per session, only for there's a nominal fee. And if it is not being used, then we may plan to discontinue this. There are member special discounts. म्हणजे लॉयडने देखील मला माहिती आहे की मागे त्यांचे प्रॉडक्टचे ॲडव्हर्टिजमेंट केली होती आणि त्याच्यासाठी मेंबरला डिस्काउंट पण दिला होता, आम्ही यूज केला होता तो. येस, सो गुड. मोर कॉन्फिडंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर. सो बी सी बी ए मेंबर कांट अफोर्ड टू चीट टू एनी वन. येस, कदाचित इश्यूज अजून असू शकतील, बट मोर कॉन्फिडंट. मी असं नाही सांगितलं की अजिबात नसणार आहे म्हणून, बट comparatively, the level of confidence will be on a higher side. Opportunity to meet other members, business opportunity, opportunities for collaboration. And we also have a single point of contact for all our BCCP requirements, which we must use. This is planned for next few months. We have active working committee. We are trying to tie up with various organizations, institutions, authorities, webinars, small groups. And this is planned for next 4 months. 8th April, we'll have our 67th monthly meeting. And that will be a dinner meeting, we'll focus on networking. 23rd April, there's a plan to have a joint meeting between Dimensions and BCBA and Hotel Orchid. And that will be a breakfast plus lunch meeting. And from tomorrow onwards, you will get that registration link. After meeting, we will download it. We will the link in our BCBA and we will post it. The Janandar May month city meeting. Now, this is just a plan. There is an outstation plan. Maybe somewhere in Daman or anywhere else. Still plan. But this is a plan. And in 10 June, Chiparat dinner meeting or breakfast meeting, as we discussed now, we will decide that now. Take a call. So that's it for my side. Thank you so much, and over to you. Thank you, Nisar. So friends, we come to the end of this beautiful meeting, and I would now like to invite our woman power, our leader of our women's group, Dina Ma'am, to please take over, and she has planned something special for us. Some cake, some entertainment.